नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ विजन टीवी में। मैं हूं आपके साथ नेहा। कुम्हार समाज ने अपने वार्षिक सम्मेलन में कई बड़े फैसले लिए। समाज में फैले कुरीतियों के विरोध में समाज के लोग एकजुट हो गए हैं। कुम्हार समाज ने अब फैसला लिया है कि वैवाहिक कार्यक्रम में मांस मदिरा का सेवन करना निषेध कर दिया गया है। वहीं इसमें समय अवधि पर भी कटौती किया गया। पहले 4 दिन कार्यक्रम चलता था, अब उसमें कटौती कर 1 या 2 दिन कर दिया गया। समाज के जिला अध्यक्ष वरुण चक्रधारी ने बताया, इससे समाज के लोगों के कम खर्च होंगे। 2 दिन तक चलने वाले सम्मेलन को राज्य सरकार के कोरोना गाइडलाइन के बाद 1 दिन में रात भर नियमावली बनाकर समाप्त कर दिया गया। अब बाल विवाह करने वालों का भी खैर नहीं। समाज ने बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं बालिका शिक्षा पर भी समाज प्रमुखों ने कड़े नियम बनाया है। अब बालिकाओं को कम से कम 12वीं तक पढ़ना होगा। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 1,000 रुपए अर्थदंड समाज को देना होगा। उद्घाटन में छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा पहुंचे थे। समाज के लोगों ने रमन सरकार के समय कुम्हारों के लिए गांव में जमीन आरक्षित करने के लिए निर्देश दिए थे। राजिम फिंगेश्वर देवभोग के बरकानी कुछ जगह पर अमल भी हुआ। सरकार बदली निर्देश पर पानी फिर गया। समाज प्रमुखों ने आरक्षित जमीन दिलवाने मंत्री को मांग पत्र दिया। मंत्री ने विभाग न होने का हवाला देते हुए टाल दिया। हालांकि होली के बाद सीएम से मिलवाने प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है। देखना होगा कि उनके इस मांग को सरकार कितना अमल करती है। समाज के 4 अहम फैसले में समाज के जिला अध्यक्ष वरुण चक्रधारी, राजेंद्र गंगाराम पांडे, राजेश चक्रधारी, प्रेम चक्रधारी, भवर सिंह, सेवन लाल सहित कई समाज के सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। गरियाबंद से जय विलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।